أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وشاورهم في الأمر صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سبيل مجد والإكرام سامعين ذي احتشام اللہ جل وعلا کی تعریف و توصیف آقا نامدار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حدیث درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اللہ رب ذوالجلال پاکان امت کا صدقہ ہم کو بھی ظاہری اور باطنی طہارت سے مالا مال فرمائے جو آئے کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس سادہ انداز میں چند گزارشات اپنی بخشش کے لیے آپ کے سماعتوں کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ جل وعلا ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ اے میرے محبوب مکرم اے پیارے حبیب اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حسبک اللہ پیارے حبیب اللہ تجھے کافی ہے وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور جو آپ کے غلام آپ کے غلامی میں آنے والے ہیں آپ کی اتباع کرنے والے مومن آپ کو کافی ہیں اس آیہ کریمہ کے مزاج کی طرف آپ توجہ فرمائیں تو بہت سے ہمارے مسئلے اس آیہ کریمہ سے حل ہو جاتے ہیں کیونکہ سنی ایسی ذات کا نام ہے جس کا عمل پسندیدہ ہو اور جس کا عقیدہ سچا ہو جو قرآن کی حقیقت کو بھی مانتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نور کو بھی مانتا ہے اسے سنی کہا جاتا ہے ہم قرآن کے فرمان پر بھی عمل کرتے ہیں محبوب کے فرمان پر بھی عمل کرتے ہیں
अल्लाह ने फरमाया प्यारे हबीब अल्लाह तुझे काफ़ी है। वमन इत्तबाका मिनल मोमिनीन, और ईमान वाले मोमिन आपको काफ़ी हैं। अल्लाह ताला ने अपनी नुसरत व इआनत के साथ ईमान वालों को मिला के सिदक फरमाया है। ऐ प्यारे हबीब अल्लाह तुझे काफ़ी है और ईमान वाले मोमिन आपको काफ़ी हैं। वो रब होकर अपने साथ ईमान वालों को मिला के जिक्र फरमा रहा है। ऐ प्यारे हबीब अल्लाह तुझे काफ़ी है और आपके मोमिन गुलाम आपको काफ़ी हैं। अल्लाह फरमाए अपने प्यारे हबीब को हस्बुकल्लाह, अल्लाह फरमाता दूसरे मकाम में क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। कायनात वाले यहाँ पे रुक जाते हैं, हस्बुनल्लाह हमें अल्लाह ही काफ़ी है, हमें अल्लाह ही काफ़ी है। ही का माना आप जानते हैं ना, अल्लाह ही काफ़ी है, बाकी हर एक से नफी हो जाती है। अल्लाह इस आयत करीमा के अंदर फरमाता है हस्बुकल्लाह वमन इत्तबाका मिनल मोमिनीन, अल्लाह काफ़ी है और साथ मोमिनीन भी काफ़ी है। अल्लाह फरमाता है मैं काफ़ी हूँ और मेरे वो बंदे जिन्होंने है प्यारे हबीब तुझे माना है। हर एक बंदे की बात अल्लाह ने नहीं फरमाई, अल्लाह ने उसी की बात फरमाई है जिसको अल्लाह ने अपना इरफान भी अता फरमा दिया है, प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा का इरफान भी अता फरमा दिया है। वमन इत्तबाका मिनल मोमिनीन, ईमान वाले आपको काफ़ी हैं। इस आयत करीमा का शान नज़ूल क्या है? इस आयत करीमा का नज़ूल उस वक्त हुआ जब मुसलमानों की तादाद 39 थी, अभी 40 नहीं हुए थे, 40वें की इंतज़ार थी, 40वें की इंतज़ार थी, तो 40वें के लिए दुआ करना पड़ी, 40वें के लिए दुआ करना पड़ी। तो 40वें के लिए दुआ ही की जाती है, शायद मेरी बात आप कैसे न तक समझ गए, आप पहुंच गए हो, समझ गए हो, 40वें के लिए दुआ करना पड़ती है तब ही 40वें का इनाम मिलता है। ये आयत करीमा उस वक्त नासिल हुई थी जब 39 मुकम्मल हुए थे। मैं तो यहाँ पे ये सोच रहा था गोया कि अल्लाह का कुरान भी इंतज़ार कर रहा था, रब की रहमत भी इंतज़ार कर रही थी। आज वो हस्ती आए, उस हस्ती के आने पे मैं कुरान को उतारूंगा और दुनिया वालों को बताऊंगा ये कोई आम नहीं है, इसकी आमद में मैं खुदा कुरान को नाजिल फरमा दिया करता हूँ। या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह वमन इत्तबाका मिनल मोमिनीन, जब 40वां पूरा हुआ वो कौन थे? वो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। 40वें पूरे हुए, जब 40 हो गए आयत करीमा नासिल हुई, अब अल्लाह ने फरमाया प्यारे हबीब मैं तुझे काफ़ी हूँ, आपके गुलाम काफ़ी है, मैं तुझे काफ़ी हूँ, आपके गुलाम काफ़ी हैं। पहले ऐलान नहीं हुआ कि मैं काफ़ी हूँ, अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह अपने प्यारे हबीब को सबक देता है फैज़ा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह, ऐ प्यारे हबीब जब आप अस्म समीम फरमा ले, अब तवक्कुल की दौलत है, तवक्कुल किया करें, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। वो अल्लाह खुद अपने प्यारे हबीब को फरमाता है, तो क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है प्यारे हबीब मैं तुझे काफ़ी हूँ और तेरी बारगाह में आने वाला उमर तुझे काफ़ी है, ये मोमिन तुझे काफ़ी है, आपके लिए काफ़ी है। गोया अल्लाह के अलावा कुछ और भी हैं जो मदद कर सकते हैं, अल्लाह के अलावा कुछ और भी हैं, लेकिन सारे नहीं करते, वही करते हैं जिनको खाले के कैनात मुंतखब फरमा लिया करता है। मिनल मोमिनीन, मोमिनीन करते हैं, मदद करते हैं। कुरान ने बताया मेरे महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, ये 40वें जो बने अपने ख्याल को पूरा करने के लिए घर से निकलते हैं, तलवार हाथ में है, बड़े तमतराक के साथ, बड़े बजट के साथ, बड़े गज़बो गैस के साथ आते हैं, रस्ते में सहाबी से मुलाकात होती है, वो पूछते हैं ए उमर किधर जाते हो,
बड़ा वजदाना आपका अंदाज़ है, बड़ा गुस्से वाला अंदाज़ है, किधर जाना चाहते हो? उस वक़्त फ़ारूक आज़म का जवाब ये आता है, मैं तो मुसलमानों के नबियों को माशाल्लाह सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए जा रहा हूँ। तो आपने फरमाया, ऐ उमर, जिस नबी की ज़ात को मिटाना चाहते हो उनका पैगाम तो तुम्हारे घर तक पहुँच चुका है, उनका पैगाम तुम्हारे घर तक पहुँच चुका है, उधर चलते हैं। फारूक आज़म, मुख्तसर करता हूँ वरना टाइम इससे भी गुजर जाएगा। मैंने आपको कुछ और बातें अर्ज कर रही हैं। जब आप सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं, सहाबा दार अरकम में मौजूद है, अमीन हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पे रखवाली करते हैं, महबूब के कशाना मुकद्दस में मौजूद हैं, जब सहाबा ने देखा तो सहाबा पानी पानी हो गए। उमर आता है, सहाबा कशमकश में हो गए, उमर आता है, उमर आता है, आम बंदा नहीं आता, कौन आता है? उमर आ रहा है। सारे सोच में पड़ गए। अमीर हमजा ने फरमाया, सहाबा सुनो, मैं भी महबूब का गुलाम हूँ, मैं भी महबूब का कलमा पढ़ने वाला हूँ, अगर उमर आए हैं अच्छी नीयत से तो फिर तो हम उनको खुश आमदेद कहेंगे, अगर बुरे इरादे से आए हैं ये तलवार उनका काम तमाम कर दी देगी। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा परेशान क्यों होते हो, परेशान क्यों होते हो? ये उमर कोई आप आया है, मैं मुस्तफा ने खुद बुलाया है। मेरे आका ने फरमाया, परेशान क्यों होते हो, परेशान क्यों होते हो? मैंने खुद बुलाया है। आका की बारगाह में आते हैं, मुख्तसरन कलमा पढ़ते हैं। जब कलमा पढ़ा जाता है तो सहाबा का अंदाज कुछ निराला होता है। जिब्रील आते हैं, आसमानों से उतरते हैं, आके उतरते हैं महबूब की बारगाह में। उस वक्त क्या हुआ, जब फारूक आज़म की जुबान पे अल्लाह का नाम आया, उस दार अरकम की दीवारें अल्लाह अकबर के नामों से गूंज उठी थी। गोया उमर के आने पे अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं। अगर सुन्नी खामोश रहे तो अपनी किस्मत की बात है। उमर जहाँ होता है वहाँ खाले के कैनात की अजमत को जाकर किया जाता है। अल्लाह की किबरियाई के नारे लगते हैं, सारे सहाबा ने नारा लगाया और खुशी का अंदाज अपनाया, इसलिए कि आज उमर आया है, आज उमर आया है। जिब्रील आसमानों से उतरे, महबूब की बारगाह में हाजिर होते हैं, अज़्ज़त या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ने उमर को भेजा है, आपकी बारगाह में आया है। लाका दिस्सा बिचारा आलू समाए बेसलाम उमर, आका आपके गुलाम जमीन पे बैठ के खुश होते हैं, ये जमीन पे बैठ के खुशियां मना रहे हैं, उमर की आमद की वजह से सिर्फ ये खुश नहीं होते, आसमान के फरिश्ते भी उमर की आमद पे खुशियां मना रहे हैं। करीम आका ने फरमाया, इन्नी लअंसुरु इलश्शयातीन मिनल जिन्ने वल इंसे कद फज़्ज़ू मिन उमर। बातें ज़हन में रखना, लाज़िम नहीं होता कि हर दफ़ा ही ऐसी बातें की जाएं जो आपके ज़हनों के मुताबिक हों और आपको उससे चाशनी नसीब हो। ऐसी बातें आज के दौर के अंदर आपको ज़हन में रखना ज़रूरी है। मेरे आका ने फरमाया, अंज़ुरु ला अंज़ुरु मिन शयातीन, आका ने फरमाया मैं शैतानों को देख रहा हूँ। कौन को देख, किन को देख रहा हूँ? शैतानों को देख रहा हूँ। शैतान को हमें नज़र नहीं आते, शैतान को हमें नज़र नहीं आते। आका ने फरमाया मैं देख रहा हूँ शैतानों को। क्या आका के ज़माने के अंदर भी फारूक आज़म की ज़ात पे एतराज़ होता था? बोलिए तो सही, आका के ज़माने में होता था? नहीं, आका के ज़माने के अंदर नहीं हुआ, न सिद्दीक अकबर के ज़माने के अंदर हुआ, न फारूक आज़म के अपने साथ ज़माने के अंदर हुआ, न उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने के अंदर हुआ, न मौला मुर्तज़ा के ज़माने में हुआ, न इमाम हसन के ज़माने के अंदर हुआ, न इमाम हुसैन के ज़माने के अंदर हुआ। ये पता नहीं कहाँ से उम्मत आ गई है, कहाँ से कौम आ चुकी है और पैदा हो गई है, जिनको फारूक आज़म हज़म नहीं होता, अंगुश्त नुमाई करते हैं ऐसी हस्ती पे जिनकी शानों को कुरान ने बयान फरमाया, जिनकी शानों को मेरे महबूब ने फरमाया, आका ने ज़माने की तरफ देख के फरमाया, इन्नी लअंज़ुरु इलश्शयातीन, इन्नी लअंज़ुरु इलश्शयातीन, मैं
अंधेरों देख रहा हूँ, देखता हूँ, तुम्हें बताता हूँ। क्या बताता हूँ? किस बात की निशान नहीं फरमाता हूँ। आकर फरमा मैं शैतानों को देख रहा हूँ, तुम संभल के रहना कहीं शैतान न बन जाना। किससे शैतान होंगे? आकर ने फरमाया मिन जिन्न वल इंस, वो शैतान इंसानों में से भी हो सकते हैं और वो शैतान जिन्नों में से भी हो सकते हैं। और उनका काम क्या होगा, उनका तरीका क्या होगा, उनकी पहचान क्या है शैतान होने की, समझे बात आप? उसके शैतान होने की पहचान क्या है, अलामत क्या है, जैसे पहचाना जाएगा। मेरे आका ने फरमाया शैतान वो होगा, पहचान ये है, उससे मेरा उम्र हजम नहीं होगा। कद फरू मिन उमर, मेरी उम्र से भागेगा, मेरी उम्र के शिकर से भागेगा, मेरी उम्र से प्यार नहीं करेगा। मेरे आका ने 1400 साल पहले ये ऐलान फरमा दिया और फरमाया जो उम्र से प्यार नहीं करता वो शैतान वाला होता है, जो उम्र जो रहमान वाला होता है वो उम्र से प्यार करता है, शैतान वाला उम्र से कभी प्यार नहीं कर सकता। ये आका ने पहले फरमा दिया, पहले से बता दिया, जो शैतान होगा मेरी उम्र से भागेगा, मेरी उम्र के करीब नहीं आएगा। आका ने फरमाया इन शैताना यफिरु मिन ज़िल्ल उमर, उमर तो इतना ताकतवर है, इतना पाकीज़ा है, इतनी ताकत वाला है, उसके साये से शैतान भागता है। बल्कि हदीस में यहाँ तक आता है, बुखारी शरीफ की हदीस है, जिस रस्ते से उमर गुजर जाता है, जिस रस्ते से उमर गुजर जाता है और जहाँ पे फारूक आजम के आसार लग जाते हैं, वो रास्ता शैतान छोड़ देता है, वो रास्ता शैतान छोड़ देता है। उस रास्ते पे भाई फारूक आजम के कदम भी इतनी बरकत वाले हैं, उनके तो नालैन भी इतने बरकत वाले हैं। जहाँ से फारूक आजम के गुजर हो जाता है और कदम लग जाते हैं नालैन शरीफ, वहाँ पे लग जाते हैं, इतनी बरकत वाली वो जगह हो जाती है। इतना रोब है मेरे उम्र का, जहाँ से गुजर उम्र का हो जाता है वहाँ से शैतान का गुजर नहीं हो सकता। इतनी पावर वाला फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है और आपकी इतनी वजाहत है और इतनी आपकी सरदर और रोब और दबदबा है कि जहाँ पे उम्र बसता है वहाँ पे शैतान नहीं आ सकता। तो हम मुबारकबाद के मुस्तक नहीं है, अल्लाह ने हमें उम्र अता फरमा दिया है, अल्लाह ने हमें उम्र अता फरमा दिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हमारे सीनों के अंदर फारूक आजम की महब्बत है, कुछ ऐसे हैं जो फारूक को तो मानते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पैगाम को नहीं मानते, और उनके कुछ ऐसे हैं जो ज़ात पे इतराज करते हैं, इधर से कुछ ऐसे हैं जो मौलाए मुर्तज़ा को मानते हैं, उनके पैगाम को नहीं मानते और फारूक आजम की ज़ात पे कीचड़ उछालते हैं। खालिक कायनात ने सुन्नी को सआदत अता फरमाई है, वो जान से उमर को भी मानता है, ईमान से अली को भी मानता है। ये शान खालिक कायनात ने फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमा दी है। ये शान है फारूक आजम की, अल्लाह फरमाता है इतना बुलंद उम्र है, वह शाविर हूँ फिलहाल अम्र, ऐ प्यारे हबीब अगर किसी मकाम पे मशवरा करना पड़े किसी काम के बारे में तो फिर अपने यार सिद्दीक से मशवरा करना, फारूक आजम से मशवरा करना। जिसकी बात की भुगति कोई ना हो, जिसकी ज़ात पे इतमाद ही कोई ना हो, फिर उसके बारे में कहा जा सकता है तो उससे मशवरा करना, उससे मशवरा लेना ये कहा जा सकता है तो पता ये चला खाले के कैलात के साथ को एतिमाद है फारूक आजम के साथ पे। अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमा के पाक फरमा दिया फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, इसलिए फरमाया वा शाविर हुम फिल अम्र, ऐ प्यारे हबीब अगर मशवरे की जरूरत हो तो अपने यार उमर से मशवरा ले लेना। एक है कुरान का आपकी शान में नासिल होना, एक है कुरान का आपकी शान में नासिल होना, एक है कुरान का फारूक आजम की तलब में नासिल होना। फारूक आजम तो वो है जिनके शान के बारे से आयात करीमा नासिल नहीं हुई, बल्कि फारूक आजम तो वो है जो फर्श जमीन पे बैठकर दिल में ख्याल करते हैं और जुबान से महबूब की बारगाह में अर्ज करते हैं बारी ताला अरे प्यारे हबीब ये काम होना चाहिए और ये यहाँ पे कहना होना चाहिए, कहदूर होना चाहिए।
सारे के कैनात जिब्रील को उतार के उमर के ख्याल को पूरा फरमा देता है। इतने बुलंद शान है फारूक आजम, जमीन पे बैठ के ये ज़हन में ख्याल आता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, आका मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाना चाहिए। ये अर्ज करते हैं, आसमान से आयत उतर आती है, आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कि आपके घर वालों के लिए पर्दा होना चाहिए। खाले के कैलाश जिब्रील को नासिर फरमा के कुरान की आयत उतार देता है और कानून बना देता है। तो पता चला हमारे इस्लाम के अंदर कानून बने हैं तो फारूक आजम की इल्तिजा की वजह से बने हैं। पहला साल तुम बुनना, जब तुम सवाल करो महबूब की घर वालियों से सवाल करो, पर्दे के पीछे करना। और बदर के मौके पे कैदियों के बारे में आपने अर्ज किया तो खाले के कहना ने कुरान को उतारा। फारूक आजम के सारी जिंदगी कुरान के मुताबिक गुजरी, सारी जिंदगी कुरान के मुताबिक गुजरी, महबूब के फरमान के मुताबिक गुजरी। ये शान है फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। कुरान भी दलालत करता है, महबूब का फरमान भी दलालत करता है। महबूब के फरमान के बाद एक ऐसा घराना है जो बहुत ही पाक है, जिनकी पाकी का ऐलान खुद खाले के कैलान ने किया है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुसीबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। उन जमात के बारे में, इस घराने के बारे में खाले के कैलान ने तहारत का ऐलान फरमाया। आइए इनसे पूछ लेते हैं तुम्हारा उम्र के बारे में क्या ख्याल है। आज मौलाए मुर्तजा से मोहब्बत की आड़ में फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे कीचड़ उछाली जाती है, कहते हैं कि हम तो अली मुर्तजा के साथ मोहब्बत करने वाले हैं और मोहब्बत के दावेदार हैं। आइए मौलाए मुर्तजा से पूछते हैं, अली तू बता तुझे उम्र से कितना प्यार है, तुझे उम्र से कितना प्यार है। ये रिवायत उनकी किताब के अंदर भी मौजूद है, तल्खीसुश शाफी के अंदर मौजूद है, हमारी किताबों के अंदर भी मौजूद है, सवाए के अंदर मौजूद है, और तारीखुल खुलफा के अंदर लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने भी नकल फरमाया। आपने फरमाया इज़ा ज़िक्र सालिहूना फहय्या आला बे उमर, सुबान अली की है शान उमर की है। आप फरमाते हैं जब सालिहीन का जिक्र करो, जब अल्लाह के मकबूलीन का जिक्र करो, मुकर्रबीन का जिक्र करो, तो क्या करना। फरमाया फहय्या आला बे उमर, सबसे पहले उमर का तज़किरा करना। ये किसने फरमाया? मौलाए मुर्तजा ने फरमाया। नारे अली के गाली फारूक आजम को जचती तो नहीं है? जिस अली से मोहब्बत करता है वो तो पैगाम सुना रहे हैं, अगर मेरे तरीके पे चलना है तो सबसे पहले उमर का जिक्र करना पड़ेगा, उमर के साथ मोहब्बत करना पड़ेगी। ये अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये पैगाम दिया। आपने फरमाया कि मुझे उमर से इतना प्यार है, मैं तुम्हें ये पैगाम दे रहा हूँ, जब भी नेक बंदों का जिक्र करना सबसे पहले मेरे उमर का जिक्र करना। ये बताओ ये अदावत वाले बात करते हैं, दुश्मनी वाले बात करते हैं या मोहब्बत वाले बात करते हैं? आपने बता दिया मुझे उमर से अदावत नहीं है, मैंने महबूब की जुबान से पढ़ा भी है, सुना भी है, आका भी क्यों प्यार करते थे, मैं अली भी उमर से प्यार करता हूँ। ये मौलाए मुर्तजा अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मकाम है। आप आखिरी उम्र में थे, बिस्तर अलालत पे मौजूद हैं। कौन? फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उस वक़्त आपकी इयादत के लिए मौलाए मुर्तजा अपने बेटे इमाम हसन के साथ आते हैं, इमाम हसन के साथ आते हैं, आके तीमारदारी करते हैं। आप थोड़ा सा गमगीन नजर आते थे, आपने फरमाया आप शेर या उमर, ऐ उमर तुझे बशारत हो, ऐ उमर तुझे बशारत हो। आपने फरमाया क्यों या अली, बशारत किस बात की देते हो, इस मकाम में मुझे बशारत किस बात की सुनाते हो? आपने फरमाया इन्नी समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात तवज्जो से सुनना और दिल की तख्ती पे लिखना, खुदा की कसम अकीदे की बात करना चाहता हूँ। आपने फरमाया क्या बशारा देते हो? आपने फरमाया बशारा ये देता हूँ समय तो रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया मैंने आका से सुना मा ला उसी है, मैं गिन भी नहीं सकता जितनी बार मेरे महबूब ने फरमाया है। क्या फरमाया मेरे महबूब ने? आपने फरमाया मैंने सुना है आका की जुबान से। अपनी बात नहीं फरमाई, बंदा वही अच्छा होता है जो महबूब की बात माने, अपने नबी की बात माने, प्यार भी करे और आका की बात भी ना माने, इससे बढ़ के और गलीज कोई हो सकता है? आपने फरमाया मैंने आका की जुबान से सुना है। क्या सुना है मैंने? आप फरमाते हैं मैंने सुना सैयदा कहून अहले जन्ना, सैयदा कहून अहले जन्ना। आपने फरमाया जन्नत के अंदर बूढ़ों के सरदार किसने फरमाया? मौलाए मुर्तजा ने फरमाया। क्या फरमाया? सैयदा कहून अहले जन्ना, जन्नत के अंदर बूढ़े के सरदार कौन होंगे? आपने फरमाया जिनको रब सरदारी अता फरमाएगा वो मेरा इमाम सिद्दीक है और मेरा इमाम उमर है जिनको अल्लाह सरदारी अता फरमा देगा। ये किसने फरमाया? मौलाए मुर्तजा ने फरमाया। लोग बातें तो कर लेते हैं लेकिन आपके पैगाम को लोगों तक नहीं पहुंचाते। ये आखिरी उम्र में फारूक आजम के सामने मौलाए मुर्तजा ने फरमाया। गोया का अकीदा मौलाए मुर्तजा का भी यही था कि जन्नत के अंदर सरदारी जिनको खाले के कहना अता फरमाएगा वो कौन होंगे? एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम फारूक आजम है। आपने जब ये बात सुनी आप खुश हो गए कि अली मुर्तजा मेरे बारे में फरमाते हैं। आज फरमाया शाहिदुन अंत या अली, अली आप इस बात के गवाह हैं, आप इस बात के गवाह हैं। कंसुल उमाल के अंदर रिवायत मौजूद है और सवाए के अंदर रिवायत मौजूद है। अमीर उमर ने पूछा, फारूक आजम ने पूछा, अली इस बात में गवाही देते हो कि मैं जन्नत के बूढ़ों का सरदार हूं? नहीं समझे आप? बोलो तुम तो भजन करो, तुम्हारे सरदार अमीर उमर होंगे, अल्लाह उनकी सरदारी में हमें जन्नत अता फरमाएगा। आपने फरमाया आप इस बात में गवाही देते हैं? मेरे अली ने फरमाया हाँ गवाही देते हूँ, देता हूँ कि अल्लाह ने प्यारे हबीब को ये बताया, आका ने हमें बताया कि खाले के कहना जन्नत के बड़ों की सरदारी आपको अता फरमा देगा। अगली बात सुने, आज नारे लगाए जाते हैं हमारे मिंबरों पर भी और दूसरों के मिंबरों पर भी कि सैयदा कहून अहले जन्ना, ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है कि खाले के कायनात ने इमाम हसन हुसैन को जन्नत के नौजवानों के सरदारी अता फरमा दी है, ये हमारा अकीदा है। लेकिन आपने फरमाया या हसन, ऐ प्यारे हसन आप ही बोले, ऐ प्यारे हसन आप ही बोले। आप किससे पूछ रहे हैं? सैयद नौजवाना ने अहले जन्ना, जन्नत के नौजवानों के सरदार सरदार से आप सवाल करते हैं, ऐ हसन आपका अकीदा क्या है, आपका अकीदा क्या है, क्या मैं सरदार हूं कि नहीं हूं? आपने फरमाया जो अकीदा मेरे बाप का है वो अकीदा मैं हसन का भी है। जन्नत के नौजवानों के सरदार ने बताया मेरा अकीदा वही है जो मेरे बाप अली का अकीदा है। अब सुन्नी तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने यह अकीदा किसी और को अता नहीं फरमाया, तुझे अता फरमाया है। तू हसनैन की सरदारी को भी मानता है, शैखैन की सरदारी को भी मानता है, तू अबू बकर सिद्दीक को भी सरदार मानता है, अमीर उमर को भी सरदार मानता है, इमाम हसन को भी सरदार मानता है, इमाम हुसैन को भी सरदार मानता है। आखिरी वक्त था जब आपकी नाश मुबारक शरीर पे मौजूद थी, सारे सहाबा मौजूद हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, मुत्तफ़क़ हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस, सारे सहाबा ऐसे गोल दायरा बना के खड़े हैं, दरमियान में फारूक आजम तशरीफ़ फरमा है। आप ज़रा सोचिए कि मौलाए मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने साल फारूक आजम के पीछे रज़ी अल्लाह ताला के पीछे नमाज पढ़ी? 10 साल आपके खिलाफत में, 10 साल मौलाए मुर्तज़ा ने, विलायत के ताजदार ने, कासिम में विलायत ने नमाजें पढ़ी है फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे। वली की एक नमाज छूट जाए, खराब हो जाए तो विलायत ख़त्म हो जाती है। जिस अली ने 10 साल नमाजें पढ़ी उस अली का मकाम क्या होगा? 10 साल विलायत तकसीम करने वाले मौलाए मुर्तज़ा ने अमीर उमर के पीछे नमाजें पढ़ी है। आखिरी वक्त है आपकी 4-5 साल
पड़ी है। सहाबा फरमाते हैं हम फारूक आजम की शान बयान कर रहे थे, फारूक आजम की शान बयान कर रहे थे। लोग आज कहते हैं फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला के बारे में कि आप गासिब हैं, माशाल्लाह आप तो खिलाफत के भी गासिब हैं और खिलाफत के गसब पे उकसाने वाले अमीर उमर हैं। ये बातें करते हैं सजदों में खड़े होकर और ये कहते हैं, यहाँ तक गिरी हुई बात कर देते हैं। जब आपने मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला के बारगाह में अर्ज़ की थी, हुज़ूर मैं महबूब की आज के साथ नस्बत को बढ़ाना चाहता हूँ, महबूब की याद के साथ नस्बत को बढ़ाना चाहता हूँ और मुझे रिश्ता अता फरमाइए, इस बात को दूसरी कौम जो अंदर से भी काले हैं और उसके इजहार इसी अंदाज में करते हैं, वो क्या करते हैं, ये पहला रिश्ता है जो आले रसूल से गसब किया गया, ये पहला रिश्ता है जो आले रसूल से गसब किया गया। आप उनकी किताब फुरूए काफी पढ़ के देख लें, नासिफुत तवारीख पढ़ के देख लें, अलिस्तिफ़सार पढ़ के देख लें, किताबें उनकी बताती हैं। तो जी वो खुद करते हैं मुफसर उनके, कहते हैं माशाल्लाह सुम्मा माशाल्लाह अमीर उमर तो मुर्तद हो गए थे, फिर ये रिश्ता कैसे दिया गया उनको, वो तो मुर्तद हो गए, उनको रिश्ता मौले मुर्तज़ा ने कैसे दे दिया। आगे से कहते हैं ये तो पहला रिश्ता है जो गसब किया गया, पहला रिश्ता गसब किया गया। फुरू काफी के अंदर एक बंदा हाजिर होता है, इमाम जाफिर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में सवाल करता है, अनिल मरअते अल मुतवफ्फा अन्हा ज़ौजुहा, हुज़ूर बतलाइए कि जिसकी जिस औरत का खामिल फौत हो जाता है, अता तब्दु फी बैतिहा अम हैसु शात, क्या आपने घर में इद्दत गुजारे या जहाँ जाए इद्दत गुजारते। आपने फरमाया बात यह है, आपने फरमाया इन अलीयन अलैहि सलाम इदा तुफिया उमर अता उम्म कलसूम फंतलक बिहा इला बैतिही, आपने फरमाया मेरे पास मेरे दादा का अमल मौजूद है, मैं तुम्हें फतवा बताना चाहता हूँ। जब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने वफात पा गए, दुनिया से रहलत फरमा गए और उस वक्त आपकी बीवी मोहतरमा मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लख्तिगर उम्म कलसूम सलामुल्लाह अलैहा, जब आप बेवा हो गए तो मौला मुर्तज़ा आपके पास आए, आपके पास आए, फन तलक बिहा इला बैतिही, अपनी बेटी को साथ लेके अपने घर गए, तो पता यह चलता है औरत जहाँ पे जाए अपनी इज्जत गुजार सकती है। कौन लेके गए थे, किताब उनकी है, हवाला उनका है, बात ये वासे होती है बेटी मेरी हो कोई और लेने आएगा, बेटी मेरी हो मेरा कोई हमसाया लेने आएगा, कोई और लेने आएगा नहीं, बेटी जिसकी होती है उसी की इज्जत होती है, रखवाली पासदारी भी वो ही करता है। मौला मुर्तज़ा साथ लेके जाके बता रहे हैं बेटी मेरी है, मैंने अपनी रज़ा से अमीर उमर को अता फरमा दी थी, फारूक के आज़म को अता फरमा दी थी, ये गसब नहीं है, ये गसब का खेल 14 सदियों के बाद इस कौम ने आके लोगों के सामने ये राग लापा है कि गसब कर दिया गया है। नहीं, मौला मुर्तज़ा ने अपनी रसा से फारूक आज़म को बेटी का रिश्ता अता फरमाया था। वैसे मेरा एक विजदान अपना है और हकीकत भी है कि नापाक बंदा उमर का जिक्र नहीं कर सकता, पलीद बंदे का काम ही नहीं कि फारूक आजम का जिक्र करे। अल्लाह उसे ही उमर का जिक्र करने का ये फैस अता फरमाता है और सादत अता फरमाता है, जिसको अल्लाह तन की तहारत भी अता फरमाता है और रूहानी तहारत भी अता फरमा देता है। हर बंदे की जुबान इस बात के काबिल नहीं। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जिब्रील आए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आसमान वाले भी खुशियाँ मनाते हैं, ज़मीन वाले भी खुशियाँ मनाते हैं, वो सारे ज़मीन वाले खुशियाँ नहीं मना रहे थे जो महबूब के गुलाम थे, वही जो सोसाइटी सारी मुसलमानों की थी वो तो खुशियाँ मना रहे थे, किसकी आमद की वजह से, फारूक आज़म की आमद की वजह से। तो गोया पता ये चला मोमिन फारूक आज़म की आमद की वजह से खुशी मनाता है और खुशी के साथ जिक्र करता है, मोहब्बत के साथ जिक्र करता है। ये सिर्फ
فرشیوں کا کام نہیں، عرشیوں کو بھی خالق کائنات یہ سعادت عطا فرما دی ہے۔ عرش بھی کرتے ہیں، میرے محبوب کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہیں، سوائے کے اندر یہ روایت موجود ہے، آقا نے فرمایا اے جبریل میرا جی چاہتا ہے حدثنی بفضائل عمر، آج مجھے میرے عمر کی شانیں بیان کر کے سنا دو، آج مجھے میرے عمر کی شانیں بیان کر کے سنا دو۔ علامہ ابن حجر حیدری مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جبریل نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، آقا نے فرمایا جبریل بتاؤ میرے عمر کی شان کیا ہے، عرض کی یا رسول اللہ لو حدثتک بفضائل عمر منذ ما لبس نوح فی قومہ ما نفدت فضائل عمر۔ آپ نے فرمایا جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میں عمر کو جانتا ہوں، عمر کا مقام کیا ہے، ساریہ نیکیاں جانتا ہوں، ان کے لیل و نہار کو جانتا ہوں، عرض کی یا رسول اللہ جتنا زمانہ نوح علیہ السلام نے اس دنیا کے اندر گزارا تھا اتنا زمانہ ملے مجھے، اور میں فاروق اعظم کی شانوں کو بیان کروں، زمانہ ختم ہو سکتا ہے فاروق اعظم کی عظمت ختم نہیں ہو سکتی۔ ما نفدت فضائل عمر، عمر کی شانیں ختم، تیری میری بس کی بات ہے کہ ہم شانیں بیان کریں، ان کے کمالات کو بیان کریں، ان کی تعریفات کریں، ان کی حقیقت کو بیان کریں، اور جن کے فضائل جبریل نہ بیان کر سکے اس مدت کے اندر، یہ شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس لیے کہ میرے محبوب نے مانگا تھا، اس لیے کہ میرے محبوب نے مانگا تھا۔ کیا دعا مانگی تھی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، باری تعالیٰ میری محبت یہ ہے، کسی اور کی دعا نہیں مانگی۔ 39 مکمل ہوئے، یہ جزوی فضیلت ہے، یہ جزوی فضیلت ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سارے صحابہ 124,000 کم بے صحابہ، یا 2,00,000 صحابہ جتنے بھی ہیں، سارے صحابہ مرید مصطفیٰ بن کے آئے ہیں، عمر مراد مصطفیٰ بن کے تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا نے دعا کی اے باری تعالیٰ، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں، تیرا حبیب چاہتا ہے، تیرا حبیب دعا کرتا ہے، باری تعالیٰ میرے اسلام کو عمر کے ذریعے سے عزت عطا فرما دے، عمر کے ذریعے سے عزت عطا فرما دے۔ عزت کون دیتا ہے؟ وللہ العزت، بلکہ قرآن میں آتا ہے وللہ العزت جمیعا، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ لوگ یہاں پہ رک جاتے ہیں، عزت صرف اللہ کی ہے، لیکن میرے محبوب نے دعا کیا کی ہے، کیا الفاظ ہیں میرے محبوب کے، یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام، باری تعالیٰ جو تو نے مجھے دین عطا فرمایا ہے، جو تو نے مجھے اسلام عطا فرمایا ہے، اس کو عزت مل سکتی ہے تو عمر کے ذریعے سے مل سکتی ہے، مجھے عطا فرما دے۔ کاکہ تو عالم نے دعا مانگی کس انداز میں؟ اللہم، ایک ہے محبوب کی ادا، ایک ہے محبوب کی دعا، ایک ہے محبوب کی دعا، ایک ہے محبوب کی ادا۔ محبوب کی ادا بیان کروں تو قرآن کے اندر مشہور ہے، لیکن ٹائم چاہیے۔ میرے محبوب کا چہرہ اوپر اٹھتا ہے فلک کی طرف، میرے محبوب اشارہ کرتے ہیں، خالق فرماتا قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، میرے محبوب کو اللہ نے فرمایا پیارے حبیب بار بار تیرا چہرہ، بولے تو صحیح، بار بار تیرا چہرہ میری بارگاہ میں اٹھتا ہے، میری بارگاہ میں اٹھتا ہے، اے پیارے حبیب میں تیرے دل کے راز کو جانتا ہوں، تو قبلہ ادھر بنوانا چاہتا ہے۔ محبوب کی ادا یہ ہے، محبوب کی ادا کے نتیجے میں ہمیں وہ قبلہ ملا ہے، وہ کعبہ ملا ہے، جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز ادا کرتے ہیں، اگر منہ پھیرتے ہیں ہمارے سجدے رد ہو جاتے ہیں، ہماری عبادت رد ہو جاتی ہے، یہ ادا کا کمال ہے۔ ہم اس قبلہ کو چھوڑے نماز چلی جاتی ہے، اس عمر کو میرے حبیب نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ کے اللہ کی بارگاہ سے مانگا ہے، قبلہ کو
मेरे हबीब ने दुआ फरमाई बारी ताला उमर के जरिए से इज्जत अता फरमा। किसके जरिए से? उमर के जरिए से इज्जत अता फरमा। पता चला अल्लाह अपने प्यारों के जरिए से इज्जत ही अता फरमाता है। हर एक को इस्लाम की वजह से इज्जत मिली, अगर तवज्जो आपकी है तो, हर एक को इज्जत मिली है इस्लाम में आने की वजह से। इस्लाम को इज्जत मिली है उमर के आने की वजह से। इस्लाम को इज्जत मिली है उमर के आने की वजह से। इसलिए मेरे महबूब ने दुआ की बारी ताला मुझे उमर चाहिए, मुझे उमर अता फरमा दे। एक और भी नुकता आज करता चलो, अगर आपकी तबीयत पे गरा न गुजरे तो लोगों के अंदर ये बात है और लिखी लोगों ने, रब चाहे तो किसी की दुआ को कबूल कर ले, चाहे तो किसी की दुआ को रद्द कर दे, वो मालिक है वो खालिक है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? रब चाहे तो किसी की दुआ को रद्द कर दे, चाहे तो किसी की दुआ को कबूल कर दे, क्या मुकद अल्लाह की बार का हमें किसी की। लेकिन ना ना, आज मेरे महबूब ने दुआ की है, आज मेरे महबूब ने अल्लाह की बार का हमें दुआ की है। बारी ताला मुझे उम्र चाहिए, महबूब की इल्तजा है, महबूब की दुआ है। खाले के कैला ने पूरा करके बताया। यो लोग ये कहते हैं रब चाहे तो नबी की दुआ को रद्द कर दे, चाहे तो कबूल कर दे, उनका कीदा फासद कीदा है। मेरे तो महबूबों के साथ अंदाज ये है, बोलते बाद में है, पहले उनकी दुआओं को कबूल फरमा लिया करता हूँ। अल्लाहुम्मा अइज़ल इस्लाम बिउमर खत्ताब। बारी ताला उमर के जरिए से मेरे इस्लाम को इज्जत अता फरमा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं खुदा की कसम हमें कोई जानता नहीं था, हमारी कोई इज्जत न थी, हमारी कोई हुकत न थी। जब उमर आए तो अल्लाह ने हमें इज्जत अता फरमा दी। जब फारूक आजम आए अल्लाह ने हमें इज्जत अता फरमा दी। फारूक आजम ने इस्लाम को इज्जत अता फरमाई। अब जो भी इस्लाम में है उसको फारूक आजम के जरिए से इज्जत मिली है, फारूक आजम के जरिए से इज्जत मिली है। अब जो फारूक आजम के नाम से जले और उसको ये नाम बर्दाश्त ना हो तो पता ये चलता है वो इस्लाम में नाकिस है, वो ईमान में नाकिस है। जिसको महबूब पसंद फरमाए और मांगे खुदा से, महबूब मांगे, ना महबूब के मांगने के अंदर कोई नक्स है, ना खुदा की अता के अंदर कोई नक्स है, ना उधर कोई कमी है ना इधर कोई कमी है। तो रब ने जो अता फरमाया वो भी मिसाल अता नहीं फरमाया। अब कोई बंदा फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात के अंदर नक्स निकाले, माशाल्लाह आज ऐसे भी बंदे मौजूद हैं सोशल मीडिया पे जो इस बात का तकाजा करते हैं कि फारूक आजम का इस्लाम साबित करो, फारूक आजम का कलमा साबित करो। बस ये रब ने अता फरमाया है, उस रब से पूछो फारूक आजम का मकाम क्या है। और अपने नबी जिस नबी का कलमा पढ़ के तुम इस्लाम में दाखिल हो चुके हो और अपने इस्लाम होना साहिर करते हो, उस नबी की दुआ पे इतबार है? महबूब ने जो मांगा था अल्लाह ने अता फरमा दिया। अब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस्लाम पे इतराज करने वाला वो मुसलमान नहीं हो सकता, उसके कलमे में शक हो सकता है, फारूक आजम के इस्लाम में अगर शक नहीं हो सकता। इसी वजह से तो मेरे आका ने फरमाया इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो मेरे सहाबा के बारे में सबो शतम करते हैं, अपनी गंदी जुबान को इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहना लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तुम्हारे शर पे अल्लाह की लानत हो, तुम्हारे शर पे अल्लाह की लानत हो। किस पे लानत होती है? जो प्यारा हो उस पे लानत की जाती है। जब उनके शर पे लानत है वो या कि ये शर फैलाया जा रहा है उम्मत के अंदर सहाबा के बारे में बकवासबाजी करके, उनके बारे में सुबान दराजी करके, उनके जातों पे तान तशरीह करके उम्मत को बखेरा जा रहा है, उम्मत के शिरासा बखेरा जा रहा है और तोड़ा जा रहा है। उम्मत तब इकट्ठी होगी जब उम्मत के अंदर प्यार सिद्दीक का भी बांटा जाएगा, प्यार मौला मुर्तजा का भी बांटा जाएगा। उम्मत उस वक्त खुशहाल थी जब उम्मत के अंदर ये बात आम नहीं थी, लोगों के दिलों के अंदर फारूक आजम की मोहब्बत भी थी, मौला मुर्तजा की मोहब्बत भी थी।
اسی وجہ سے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آقا نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ ہے اور میرے صحابہ کا زمانہ ہے. اس زمانہ کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ شان والے تھے, آج وہی سچے لوگ ہیں جن کو خالق کائنات نے صحابہ کا طریقہ اپنایا ہے اور صحابہ کرام کا رستہ عطا فرما دیا ہے اور صحابہ کرام کا انداز زندگی عطا فرما دیا ہے, جس کا عقیدہ فاروق اعظم سے ملتا ہے, جس کا عقیدہ مولانا مرتضیٰ سے ملتا ہے, وہ قرآن پر بھی عمل کرتا ہے, محبوب کے فرمان پر بھی عمل کرتا ہے. قرآن ہمارے پاس موجود ہے, قرآن تب صحیح مانا جا سکتا ہے جب صحابہ کو مانا جائے, محبوب کے فرمان کو تب صحیح مانا جا سکتا ہے. ان کی کتابوں کے اندر یہاں تک آتا ہے, یہ تو اپنی شیعہ ہونے پہ ناز کرتے ہیں, قیامت کا دن ہوگا نا, تفسیر قمی کے اندر آتا ہے اذا تبرأ الذی دت تو بیو, اس آیت کریمہ کے تحت یہ ان کی اتباع کی جائے گی, قیامت کے دن برات اظہار کریں گے. اذا کان یوم القیامہ تبرأ کل امام, ہر امام قیامت کے دن اپنے شیعوں سے برات کا اظہار کر دے گا اور یقیناً اظہار کرے گا. ہمارا یہ عقیدہ ہے قیامت کے دن مولا مرتضیٰ فرمائیں گے میں دنیا کے اندر کیا اپنے آثار چھوڑ کے آیا تھا, کیا اپنا کردار چھوڑ کے آیا تھا, کیا طریقہ چھوڑ کے آیا تھا, یہی طریقہ چھوڑ کے آیا تھا کہ نبی کے صحابہ کو گالی دینا, نبی کے صحابہ کے بارے میں طعن تشنیع کرنا, ان کے اسلام پہ باتیں کرنا, ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرنا, یہ تمہیں دین دے کے آیا تھا, یہی تمہیں طریقہ دے کے آیا تھا؟ نہیں, اسی وجہ سے مولا مرتضیٰ دھتکار دیں گے, مولا مرتضیٰ اپنی بارگاہ سے ان کو دور کر دیں گے, مولا مرتضیٰ انہیں کو سینے سے لگائیں گے جن کے سینے کے اندر صدیق کی محبت بھی ہوگی, مولا مرتضیٰ کی محبت بھی ہوگی. آقا نے فرمایا وہ بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جس بندے کے دل کے اندر مولا مرتضیٰ کی محبت اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت جب تک جمع نہ ہو جائے, اسی وقت بندہ مومن ہو سکتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا القى الله فی قلبه حب اصحابی. آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے اس کے سینے کے اندر میرے صحابہ کی محبت کو ڈال دیتا ہے, جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے, اور جو بندہ ہو برائی کے رستے پہ, جو شیطانوں کے زمرے کے اندر ہو, اس نے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرنی ہے اور ایسا انداز اپنانا ہے, ہم نے عقیدہ صحیح کرنا ہے, اپنا عمل صحیح کرنا ہے, عقیدہ بھی ملے گا تو صحابہ کی تحریر سے ملے گا, عمل بھی ملے گا تو صحابہ کی تحریر سے ملے گا. خالق کائنات ہم سب کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقوں کو اپنائے گی, توفیق عطا فرمائے, صحابہ کی محبت بھی عطا فرمائے اور محبوب کی آل کی محبت بھی عطا فرمائے.